तो दोस्तों आज हम आ गए हैं यहाँ पे अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाने थे। बहुत टाइम हो गया था, तकरीबन 60,000 चल गए ओरिजिनल टायर इसके। तो मैंने आज सोचा है कि चलो आज टायर चेंज करवा ही लेते हैं। तो अभी गाड़ी के टायरों में जान तो काफ़ी थी, अभी बिल्कुल वो गंजे नहीं हुए थे। तो लेकिन फिर भी चांस क्यों लेना, अब हम ऑफ रोडिंग करते हैं, ऑफ बीट लोकेशंस पे जाते हैं और लंबा ट्रैवल भी करते हैं। अभी ट्रैवल करना भी है मैंने अभी लंबा, तो क्यों रिस्क लेना। तो गाड़ी के टायर चेंज करवाने थे, मैंने सोचा आज करवा लेते हैं। तो ये अपना जो स्पेयर व्हील है पीछे का, वो भी डाउन हो रहा है, अभी उसको भी निकाल रहे हैं। गाड़ी लग चुकी है अपनी मदुरई सुंदर टायर प्राइवेट लिमिटेड। ये एक मल्टी ब्रांड टायर्स का शोरूम है, आप ऊपर तक देख सकते हैं, बड़े अच्छे रिम्स वगैरह इन्होंने लगा रखे हैं। और यहाँ पे ही गाड़ी के अपने टायर चेंज हो रहे हैं। आगे से जैक लगा दिया है और गाड़ी आगे से भी उठा दी है। आप देख रहे हैं कि रियर जैक जो है डिफरेंशियल के नीचे लगा दिया है, दोनों टायर ऊपर उठ गए हैं। तो मैं अभी काफ़ी दिनों से इस पर रिसर्च कर भी रहा था कि कौन से टायर डलवाने चाहिए। 3-4 कंपनीज हैं इंडिया में जो अच्छी टायर मैन्युफैक्चरिंग है। तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा थैंक यू जो है अपने कपिल भाई को देना चाहता हूँ, घुमक्कड़ बक्स कपिल भाई। तो आपने भी अपनी गाड़ी में अभी गुडियर के टायर लगवाए हैं ऑल टेरेन, तो मैंने भी काफ़ी रिसर्च की है और मैं भी आज अपनी गाड़ी में गुडियर के ही टायर्स लगवा रहा हूँ। गुडियर रैंगलर ट्रिपल मैक्स 80 जो कि ऑल टेरेन टायर है। मेरी गाड़ी के टायर साइज़ है 265/65R17, तो सेम टायर है। और इसका जो ग्रिप, जो इसका कट बनता है, वो बहुत अच्छा है। वेट ब्रेकिंग, ड्राई ब्रेकिंग के लिए बहुत अच्छा टायर है और ये साथ में ऑफ रोडिंग के लिए भी बहुत अच्छा टायर है। लॉन्ग ड्यूरेशंस के लिए बहुत अच्छा है, लो नॉइस है और की मतलब जो हैंडलिंग है बहुत स्मूथ है। तो आइए मैं आपको वो टायर भी दिखाता हूँ अभी। तो ये वो टायर हैं गुडियर के जो मेरी गाड़ी में लगने वाले हैं अभी। तो ये है टायर और ये इसकी जो है अप्लाई रेटिंग है। गुड ईयर रैंगलर ट्रिपल मैक्स और मैन्युफैक्चरिंग जो इसका स्टैम्पिंग है वो आपको मैं दिखाता हूँ। 3522 दैट इज 35th वीक एंड 2022 में बना है। और ये मैं आपको जो इसकी ग्रिप बता रहा था इस टायर की, ये अगर आप देखेंगे तो अच्छी सॉलिड ट्रैक्शन ग्रिप बनती है। काफ़ी तकरीबन 5 mm की इसकी डेप्थ है और बढ़िया ऑल टेरेन टायर है। तो ये रियर टायर निकलता हुआ, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ भी टायर चढ़ाने का प्रोसेस जो है, नया टायर फिट करने का प्रोसेस। तो ये देखिए इस तरीके से मशीन के ऊपर जो है नया टायर चढ़ रहा है। तो
पुराना टायर निकालने का प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुराना टायर जो है निकाला जा रहा है। तो ये अभी प्रोसेस शुरू हो रहा है हमारे व्हील बैलेंसिंग का। इसको मशीन में लगा दिया है व्हील बैलेंसिंग के लिए। अभी टायर को घुमाया जाएगा और चेक किया जाता है कि गाड़ी में कहाँ पे जो है वेट ऊपर नीचे आ रहा है गाड़ी का, इसका टायर का रोटेशन में, तो वहाँ एक्स्ट्रा वेट्स लगाए जाते हैं। तो ये अभी हवा भरी है इसमें और अब इसको आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में साथ साथ जो है व्हील का बैलेंसिंग आ रही है। अब ये व्हील अपने आप घूम रहा है, स्पिन हो रहा है। और स्पिन होने के बाद इसने अभी दो वेट्स बताए हैं हमें, 30 ग्राम्स एंड 45 ग्राम्स, जो दो वेट अभी ऊपर लगने हैं। ये भैया ने दो वेट, एक वेट लगा दिया अभी और साफ सफाई, पूरी मिट्टी हटाने के बाद जो है 45 ग्राम का वेट जो है अभी वो लगेगा। इंटरनल रिम 45, एक्सटर्नल रिम 30 ग्राम्स और दोबारा स्पिन दिया है इसको। तो आप ये देखें दोनों में ओके आ गया है, बिल्कुल टायर बिल्कुल करेक्ट बैलेंस हुआ है। तो इस तरीके से जो है ये व्हील बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं दोबारा स्क्रीन पे और आपको घूम करके दिखा दूँ। तो ये बता दिया है मशीन ने, कंप्यूटर ने, कि ये दोनों, ये टायर बिल्कुल जो है ओके हो गया है, फिट है और ये फिटिंग के लिए रेडी है। तो ये इसको, इसका व्हील कप लगा के हमारी गाड़ी की ब्रांडिंग है और ये सीधा जाएगा फिटिंग के लिए। साथ साथ भैया ने जो है दूसरा टायर चला दिया है, पहले उसमें हवा भरेंगे और फिर उसकी भी बैलेंसिंग करेंगे। इस तरीके से पहला नया टायर जो है फिट हो गया। तो ये दूसरा टायर भी जो है ये फिट हो गया है। तो जस्ट मैं आपको यहाँ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि फिर आप जो है पूछेंगे वैसे मेरे से। तो गुडियर का ये टायर जो है, ये मेरे को एक टायर जो है 11,000 का पड़ा है, विच इंक्लूड्स द कॉस्टिंग ऑफ द व्हील बैलेंसिंग एंड व्हील अलाइनमेंट। तो 44,000 टोटल इंक्लूसिव ऑफ ऑल GSTs एंड टैक्सेस, विच ऑल्सो इंक्लूडेड आपकी व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट भी है। तो ये एक अच्छी डील मिल गई है मेरे को, तो इसके हिसाब से काम होगा। तो बाकी अभी आप देख ही रहे हैं काम चल ही रहा है। तो मैं आपसे, अपने जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आप भी बताएं मेरे को, कमेंट करके बताएं कि क्या ये जो मेरा डिसीज़न है गुडियर टायर्स लेने का, ये ठीक है या नहीं। क्योंकि मेरी गाड़ी में पहले जो है अपोलो एप्ट्रा HT लगा हुआ था, जो बहुत अच्छी माइलेज दे गया मेरे को। ओरिजिनल टायर थे जब गाड़ी मैंने ख़रीदी थी, तो तब से अभी तक जो है 60,000 किलोमीटर चल गए हैं वो। तो अपोलो एप्ट्रा था HT, अभी मैंने चेंज करके गुडियर का रैंगलर ट्रिपल मैक्स लगाया है। तो कमेंट करके बताएं आप मेरे को कि क्या ये डिसीज़न करेक्ट है या नहीं। तो ये एक पुराना टायर था, चौथा टायर था जो गाड़ी में लगा हुआ था, इसकी कंडीशन ठीक ही है, तकरीबन नई है ये, मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया था।
तो भैया ने बोला कि इसको हम स्टेपनी बना के अंदर डाल देते हैं, लेकिन डालने से पहले इसको भी जो है एक बार बैलेंसिंग करके देख लेते हैं, इसको भी बैलेंसिंग करा के ही अंदर डालेंगे स्टेपनी में। तो इस तरह गाड़ी में चारों टायर नए डल गए हैं, तो मुश्किल से जो है आधा घंटा लगा होगा ये सारी कार्रवाई करने में, 30 मिनट के अंदर अंदर ये सारा हो गया। तो अभी गाड़ी को इस वाले रैंप से निकाला जा रहा है और इसको अभी जो है व्हील अलाइनमेंट के लिए दूसरे रैंप पे लगाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, गाड़ी जो है बाहर आ गई है हमारी, और ये अभी जो साइड वाला दूसरा रैंप है उसमें चढ़ाएंगे इसको, तो दूसरे रैंप पे ले जा रहे हैं। यहाँ पे अभी गाड़ी की जो है व्हील अलाइनमेंट की जाएगी। एक भैया जो है यहाँ बैठे हैं जो इशारा दे रहे हैं गाड़ी को कैसे अंदर लाना है। तो ये भैया ने जो है इस पे ये लगा दिया है एक कंप्यूटर मशीन फ्रंट टायर के ऊपर, ऐसी दोनों फ्रंट टायर पे लगती है ये। ये आप देख सकते हैं ये जो इधर वाले टायर पे भी लग गई है, और ये जो है इसकी मशीन है कंप्यूटर जो हमें बताएगा कि गाड़ी का अलाइनमेंट कैसा है। तो इसी तरीके से जो है रियर टायर के ऊपर भी फिट कर दिया है। तो कंप्यूटर सेंसर्स हैं ये, वायरलेस मोड पे काम करते हैं, और अभी जो है भैया जो है मशीन पे चले गए हैं कंप्यूटर के ऊपर, अभी वो चेक कर रहे हैं गाड़ी का कैम्पर, कैस्टर, टो इन टो आउट, ये सब चीज़ें जो है अभी चेक की जाएंगी। ये यहाँ पे सेंसर है जो इसको चेक कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर में जो है सेंसर्स ने इंडिकेट किया है कि व्हाट इज़ द रीडिंग्स, तो उसी हिसाब से जो है भैया अभी नीचे गाड़ी के हैं और जो टाई रॉड होती है गाड़ी की उसके साथ अभी छेड़खानी करके उसको टाइट या लूज करके जो है वो कर रहे हैं। तो ये देखिए जो फाइनल रीडिंग्स हैं ऑफ कैस्टर, कैम्बर एंड टो इन बिल्कुल करेक्ट आ गई हैं। तो इस तरह जो है गाड़ी का चारों टायर चेंज हो गए हैं, बैलेंसिंग हो गई, व्हील अलाइनमेंट हो गई। तो खर्चा आता है मेंटेनेंस में, आपको अगर ट्रैवलिंग का, ब्लॉगिंग का शौक है तो मेंटेनेंस भी गाड़ी की करानी पड़ती है। यही गाड़ी है जो हमें हर जगह लेके जाती है, हर जगह हमें पहुंचाती है, चाहे ऑफ रोड ट्रैक हो, ऑफ बीट लोकेशन हो या कहीं भी हो, तो ये सब करना पड़ता है और ये गाड़ी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग जो है मेंटेनेंस के ऊपर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको, और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और मिलते हैं आपको एक नए एडवेंचर के साथ बहुत जल्दी। शॉर्ट्स मैंने उसको ऑलरेडी डाल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं एक बड़ी अच्छी प्यारी ऑफ बीट लोकेशन है, तो अभी हम वहाँ कैंपिंग करने जा रहे हैं। इसीलिए मैंने हर टायर बदलवाए थे क्योंकि वहाँ पर ऑफ रोडिंग थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मिलते हैं जल्दी आपको एक नए ब्लॉग के साथ। नमस्कार, जय हिंद।